जेनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियां। कंप्यूटर जनरेशन से हमें ये पता लगता है कि समय के साथ साथ तकनीक में कैसे बदलाव हुआ और एक बड़े से रूम में आने वाला कंप्यूटर आज इतना छोटा और शक्तिशाली कैसे हो गया। फर्स्ट जेनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, प्रथम पीढ़ी 1940 से 1956। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जेनरेशन की शुरुआत सन 1940 से हुई जब जॉन माउचली और जे प्रेस्पर एकेंट ने मिलकर एनियक को विकसित किया। इन कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। यह साइज में काफी बड़े होते थे जिसके कारण यह पूरे कमरे की जगह घेर लेते थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स पंच कार्ड्स पर आधारित थे। इनमें मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल होता था। प्रोग्रामिंग के लिए मशीन लैंग्वेज को इस्तेमाल में लिया जाता था। प्रथम पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर के नाम एनियक, एडवैक, यूनिवैक एटसेट्रा। सेकेंड जेनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी 1956 से 1963। द्वितीय पीढ़ी सेकेंड जेनरेशन के कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब के बदले ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल होने लगा, जिस कारण इस पीढ़ी के कंप्यूटरों के साइज पहले के मुकाबले काफी छोटे हो गए। इसके अलावा वे पहली पीढ़ी की तुलना में कम बिजली खर्च करने के साथ अधिक सस्ते होते थे। हालांकि डेटा इनपुट करने के लिए अभी भी पंच कार्ड्स को उपयोग में लिया जाता था। इसी बीच उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोबोल व फोरट्रान का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। द्वितीय पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर IBM 7094, CDC 1604, यूनिवैक 1108, हनीवेल 400 एटसेट्रा। थर्ड जेनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, तृतीय पीढ़ी 1963 से 1971। तृतीय पीढ़ी थर्ड जेनरेशन के कंप्यूटर्स पिछली दोनों पीढ़ियों से बेहतर थे, क्योंकि अब IC इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार हो चुका था। IC के उपयोग ने कंप्यूटर्स के आकार को काफी छोटा कर दिया। इसके अलावा अब वह कम बिजली खर्च करते, साथ ही कम गर्मी उत्पन्न करते थे। डेटा इनपुट करने के लिए भी अब माउस और कीबोर्ड का इस्तेमाल होने लगा। इसके अलावा इस पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम OS, टाइम शेयरिंग और मल्टीपल प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट पर भी काम किया गया था। तृतीय पीढ़ी के कुछ मुख्य कंप्यूटर IBM 360, ICL 2900, PDP, TDC 316 एटसेट्रा। फोर्थ जेनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, चौथी पीढ़ी 1971 से 1980। चौथी पीढ़ी फोर्थ जेनरेशन के कंप्यूटरों में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। इसके तहत एक सिंगल चिप में हजारों ट्रांजिस्टर्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को एकीकृत किया गया था, जिस कारण कंप्यूटर्स आकार में बेहद छोटे होने के साथ साथ अधिक शक्तिशाली, टिकाऊ और सस्ते हो गए। इसी पीढ़ी में पर्सनल कंप्यूटर्स भी विकसित किए गए। अब कंप्यूटर्स में सभी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं C, C++, DBASE एटसेट्रा का उपयोग किया जाने लगा। चौथी पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर दिसंबर 10 स्टार 1000, PDP 11, ग्रे 1, IBM 4341 एटसेट्रा। फिफ्थ जेनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, पांचवी पीढ़ी 1980 अभी तक। पांचवी पीढ़ी फिफ्थ जेनरेशन मुख्य रूप से LC अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक पर आधारित है, जिसके फलस्वरूप अब एक छोटी सी माइक्रोप्रोसेसर चिप में लाखों इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एकीकृत किए जा सकते हैं। इस पीढ़ी की कुछ एडवांस तकनीकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटेशन, नैनो टेक्नोलॉजी और पैरेलल प्रोसेसिंग शामिल है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स बाकी सभी पीढ़ियों की तुलना में सबसे तेज, आकार में छोटे, मल्टीटास्किंग और अधिक टिकाऊ है। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का इंटरफेस अधिक यूजर फ्रेंडली हुआ है।
साथ ही कई नए फीचर भी जोड़े गए हैं। पांचवी पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक एटसेट्रा